तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश जनादेश 2022 में। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, अलग अलग चरणों के साथ में वोटिंग हुई। एग्जिट पोल दो दिन पहले आया, एग्जिट पोल के अंतर्गत बताया गया कि स्पष्ट जनादेश मिलने जा रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी को। एग्जिट पोल का आकलन था कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के संदर्भ में असमंजस रहा, कुछ लोगों के जहन में रहा कि कांग्रेस इस बार सरकार बना लेगी, वही दूसरी ओर था कि भाजपा भी बना सकती है। मणिपुर के संदर्भ में भाजपा को बढ़त थी, भाजपा के साथ जो गठबंधन था उसे स्पष्ट बहुमत था। गोवा के संदर्भ में सब एक राय थे, हंग असेंबली के संदर्भ में जिसमें दम होगा जोड़ तोड़ का वो बाद में सरकार बना लेगा, लेकिन वो अनुमानों का मामला समाप्त हो गया है। अब स्पष्ट तौर पर जनादेश के संकेत मिलने लगे हैं क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, रुझान आने लगे हैं। हमारे पास में सारी ही जगहों से रुझान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट इस समय पर है वह पंजाब के संदर्भ में है। पंजाब की सियासत का महत्वपूर्ण और चर्चित किरदार नवजोत सिंह सिद्धू आश्चर्यजनक रूप से प्रारंभिक रुझान में पीछे चल रहे हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, मजीठिया उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ने पहले कभी कोई चुनाव नहीं हारा है, लेकिन प्रारंभिक रुझान पंजाब से जो मिल रहे हैं उसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। रुझानों के विपरीत है जो एग्जिट पोल के थे, उसके विपरीत जो मतगणना के नतीजे दिखने शुरू हो रहे हैं रुझान की शक्ल में, उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर अगर आप टैली पर दृष्टिपात करते हैं तो टैली पर अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा पंजाब के संदर्भ में, पंजाब में 117 सीटें हैं, 55 सीटों के रुझान हमारे पास है। इसमें कांग्रेस पार्टी अभी 18 सीटों पर आगे चल रही है, 30 सीटों पर आप आगे चल रही है। शिरोमणि अकाली दल जो एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था पंजाब में, जमीन खो रहा है, कुल 5 सीटों पर आगे है। अमरिंदर कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर चुनाव लड़ा कुल 2 सीटों पर, 117 सीटें हैं, 55 सीटों पर रुझान है और 2 सीटों पर आगे, मतलब मुकाबले में ना तो अमरिंदर कहीं है ना भारतीय जनता पार्टी कहीं है, यह स्पष्ट स्थिति है। उत्तराखंड के संदर्भ में जो मामला एग्जिट पोल के बीच में परस्पर संघर्ष का था, आंकड़े भी उसकी गवाही दे रहे हैं। रुझान 56 सीटों के आ चुके हैं, 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी 27 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे है और अन्य 1 सीट पर आगे है। मतलब उत्तराखंड में मामला कश्मकश का जैसा उसका इतिहास रहा है। 2017 अपवाद था जब भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था उत्तराखंड के संदर्भ में, लेकिन इस बार फिर उत्तराखंड अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए दिख रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के दिग्गजों की धुकधुकी बनी रहेगी आखिरी समय तक, क्योंकि मामला 2-5 सीटों के अंदर ही फैसले की शक्ल में सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं, 403 विधानसभा सीटें, पूरे देश की निगाहें दरअसल आज केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। रुझान जो एग्जिट पोल के थे वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। 403 में से 172 सीटों के रुझान अभी हमारे पास है, 105 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी मात्र 60 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी कभी सरकार बनाती थी कुल 3 सीटों पर आगे है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दमखम लगाया इस बार उत्तर प्रदेश में, लेकिन 403 में से अभी तक केवल 3 सीटों पर उसे बढ़त मिलती हुई दिख रही है, अन्य 2 पर है। साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुमानों के अनुसार प्रदर्शन कर रही है। कुल 105 सीटों पर मात्र 172 सीटों के रुझाने अभी 105 सीटों पर आगे हैं। साफ दिख रहा है प्रारंभिक रुझान ही अगर अंतिम रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है। अलग अलग सीटों के भी हमारे पास में रुझान आ रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। जहां तक उत्तर प्रदेश की सवाल है तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल सीट से आगे चल रहे हैं, कोई बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। अचंभा तब होगा जब कोई प्रत्याशित की जगह अप्रत्याशित रुझान मिले, जैसे वाराणसी के संदर्भ में वहां के मंत्री उत्तर प्रदेश के वो पीछे चल रहे हैं। वाराणसी जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा मंत्री पीछे चल रहा है तो वो अपने आप में चिंता की बात हो सकती है। बहरहाल मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए के उपाध्याय जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ में शशि रंजन दिल्ली कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर जी हमारे साथ में लखनऊ से हैं, योगेश राणा जी हमारे साथ देहरादून से हैं। तो मैं सीधे के उपाध्याय जी के पास रुख चलता हूं। उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूंगा, प्रारंभिक रुझान लगभग लगभग वैसे दिख रहे हैं जैसे एग्जिट पोल के अंतर्गत अनुमान थे,
क्या हुआ? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जब सड़क पर निकले थे तो जनता तो ऐसा दिख रही थी कि केवल अखिलेश के साथ जा रही है, लेकिन वोट अखिलेश के साथ उस तरीके से प्रारंभिक रुझान में नहीं दिख रहे। देखिए हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि अखिलेश यादव के साथ भीड़ कभी कम नहीं रही। उनकी रैलियां 2014 की भी मैंने देखी हैं, 2017 भी देखा है और 2019 का लोकसभा भी देखा है। मैंने उनके साथ में तमाम चुनावी यात्राएं भी की थी, भीड़ जबरदस्त होती थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच मूलभूत अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से ये समझा कि अगर वो जब तक फॉरवर्ड क्लास की पार्टी बन के रहेगी, वो यूपी में सत्ता की सीढ़ी भी नहीं छू सकती। तो उन्होंने कल्याण सिंह का फार्मूला अपनाया। कल्याण सिंह को 2014 के बाद वो वापस लेके आए, उनको सम्मानित किया और उसके बाद पिछड़ों पे पूरी तरह से काम किया। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, यहां से पिछड़ों के टर्नआउट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम पिछड़े जो किसी भी दल में हो, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी भी तरह से जीतना है, तो सारे पिछड़े नेताओं को वो अपने साथ लेके आई। और उसके बाद अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े और उन पिछड़े मंत्रियों की यात्राएं निकाली उन्होंने। तो पिछड़ों पे जो काम किया है वो अखिलेश यादव का दिखाई नहीं दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ जो संगठन है, उस संगठन का मुकाबला अभी किसी भी दल के पास नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन पोलिंग होती थी उस दिन सुबह 5 बजे जिस इलाके में पोलिंग है, उस इलाके के 30,000 जो पोलिंग पे बैठने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके पास जो संगठन मंत्री है सुनील बंसल जी, उनका फोन जाता है, मशीन से टेप फोन था, और वो उनको उठाता है कि उठिए आपका समय हो गया, पोलिंग बूथ पे पहुंच गए। और वो बाकायदा आधे घंटे बाद फिर रिमाइंडर कॉल आता है कि उम्मीद है कि आप पहुंच गए होंगे। तो इस तरह की इनकी तैयारी थी। और इसके अलावा जिसको नजरअंदाज किया जा रहा था, जो सरकारी योजनाएं जिस तरीके से लागू हुई और जिस ईमानदारी से लागू हुई, उनको लाभार्थियों को किसी ने भी जो भी विश्लेषण कर रहे थे वो जातियों के आधार पर कर रहे थे, मुस्लिम वोट के आधार पर कर रहे थे, छुट्टा पशुओं के आधार पर कर रहे थे। और मैं हमेशा मैं कई बार अपने जनता टीवी के चुनावी विश्लेषण में भी बैठा और कहा भी कि लाभार्थियों का एक अलग वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। और ये लाभार्थियों का वर्ग आप देखिए, मेरठ में 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं सुरेश राणा। आश्चर्यजनक चीज, ये माना जा रहा था कि थाना भवन से सुरेश राणा हार सकते हैं इस बार, लेकिन वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है आगे पीछे इसमें चेंजेज हो जाए। ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो पासा पलट देंगे, किंग मेकर की स्थिति में, देखो खुद पीछे हैं, उनके पुत्र तो पहले से ही फंसे हुए थे, वो खतरे में उनकी सीट। तो जो जाति का जो एक जो समूह बन के चल तैयार होता था, वो जातियों के आधार पर लोगों ने वोट नहीं किया है, लोगों ने योजनाओं के और दो चीजें चली हैं, एक सुशासन, दूसरा मुफ्त। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा उपाध्याय, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी ही जो है नतीजे की शक्ल में पहुंच गए हैं? आपका आत्मविश्वास क्या इतना ज्यादा है जिसके तहत आप जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं उन्हीं को आप मान रहे हैं कि ये अंतिम रुझान भी है जिसके कारण योजनाओं के संदर्भ में वोट है, इसके संदर्भ में वोट है, या अभी भी कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? ये पोस्टल बैलेट है, मैं जानता हूं। और इसमें मुझे आशंका थी कि चूंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो मुझे उम्मीद थी कि शुरुआती रुझान जो पोस्टल बैलेट से मिलेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नजर आएगी। लेकिन पोस्टल बैलेट के इन रुझानों में अगर भारतीय जनता पार्टी की ये शुरुआती रुझान है, तो फिर अब एक घंटे बाद जो स्थिति होगी वो तो अब टैली पे ही पता चलेगा, इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर ये पोस्टल बैलेट में स्थिति है जिसकी आशंका थी कि इसमें तो समाजवादी पार्टी को आगे रहना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से समाजवादी पार्टी का संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह से उत्तराखंड की टैली में देख रहा हूं कि 1-2 सीटों से कोई कभी कोई आगे कभी कोई पीछे चल रहा है, तो वो संघर्ष भी दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है के उपाध्याय जी की। उपाध्याय जी का कहना है कि पोस्टल बैलेट में जो अमूमन सरकारी कर्मचारियों के दिए गए वोट होते हैं उसके संदर्भ में उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में रुझान आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए क्योंकि पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा अखिलेश यादव ने किया था। भारतीय जनता पार्टी का पुरानी पेंशन के संदर्भ में नकारात्मक भाव है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो सब पुरानी पेंशन की बहाली के माध्यम से कर्मचारियों को जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस प्रलोभन में आता नहीं दिखा। इस बात पर के उपाध्याय जी को अचंभा है। लेकिन हम एक बार फिर
तमाम राज्यों की ओर रुख करते हैं और ये एक स्पष्ट स्थिति अब पंजाब के संदर्भ में दिख रही है। पंजाब में 117 सीटें हैं, 63 सीटों का रुझान हमारे सामने है। 63 सीटों का रुझान ये बता रहा है कि कांग्रेस मात्र 20 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान साफ तौर पर दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। दिल्ली से आगे बढ़कर अब पंजाब जीतने की ओर आम आदमी पार्टी का रथ चल चुका है। आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ दो लगातार विधानसभा चुनाव जीते, पिछली बार जब 2017 में पंजाब में चुनाव थे उस समय पर यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी चमत्कारी प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, मात्र 20 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार का जनादेश मिलता दिख रहा है प्रारंभिक रुझान में, वो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक शहर विशेष या एक राज्य विशेष के दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्वरूप ले रही है। शशि रंजन जी मेरे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी की इस सफलता के संदर्भ में जो दिख रही है प्रारंभिक तौर पर, इस बार शशि जी आपकी टिप्पणी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आपने काफी नजदीकी से देखा शुरुआती दिनों से। तो विवांशु जी, वहां पर राघव चड्ढा को तकरीबन 2 साल से पंजाब में ही बैठा करके रखा है अरविंद केजरीवाल ने, और राघव चड्ढा एक एक सीट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नंबर दो, दिल्ली में जो स्कूल और हॉस्पिटल और बिजली और पानी की जो चीजें होती हैं, आम आदमी पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जो प्लानिंग होती है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से 2 कदम आगे हो जाती है। उनके छोटे छोटे वीडियोस बने और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया आज से 2 साल पहले, और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर इन तमाम वीडियोस को वहां पे डाला गया। तो दिल्ली में जो काम हो रहा है उसको पिछले 2 साल से जमीन पर आम आदमी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर 1-to-1 बेसिस पर उसको प्रचारित कर रही थी। पॉइंट नंबर 2, इसी बीच में आ गया किसान आंदोलन, और जो दिल्ली के बॉर्डर पे आपको याद होगा हिमांशु जी, ये कहा गया था कि एक मैदान को जेल में तब्दील कर देते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे वो खुलाई मैदान की नहीं हो, हम जेल में अपने किसानों को नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में एक एक मतलब 4-4 घंटे की शिफ्ट लगती थी कि 4 घंटे ये 5 MLAs होंगे, उसके बाद ये 5 MLAs होंगे, उनके लिए मूवेबल टॉयलेट्स, उनके लिए पानी, तो ये सब करते रहे और पंजाब वाले ही लोग सबसे पहले आए थे। ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कांग्रेस में जिस तरीके से इन फाइटिंग हुई, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले उनको लड्डू लेकर के सिद्धू जी के पास जाना चाहिए। तो कांग्रेस की इन फाइटिंग और जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर बाहर आए, चन्नी आए, और चन्नी के बाद भी सिद्धू जी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा, ये तीसरा सबसे बड़ा पहलू। चौथा, हालांकि अकालियों ने किसान वाले मसले पे बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन वहां पर जब ग्राउंड पर मैंने बात की तो लोगों का कहना था कि अगर नंबर्स कुछ कम ज्यादा हुए तो अकाली और बीजेपी दोनों मिल जाएंगे, इसलिए अकालियों को इस बार समर्थन उस तरीके से नहीं मिला, और एक बहुत बड़ा सेटबैक भी लगेगा अकालियों को। तो कुल मिला के ये 4-5 चीजें ऐसी हो गई कि पूरे पंजाब में एक माहौल बदलाव हुआ, और उस बदलाव में अल्टरनेटिव के तौर पे सारे पैरामीटर्स पे लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को इस बार आजमाना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के ये कुल मिलाकर स्थिति है। लेकिन मेरे पास में 2 महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में रुझानों में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। जो एक तरफा भाजपा की बढ़त दिख रही थी, अब हमारे पास में 403 सीटों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उसमें से 188 सीटों के रुझान है। भाजपा अब 104 सीटों पर आगे, और समाजवादी पार्टी 75 सीटों पर आगे हो गई है। सपा की बढ़त बढ़ रही है, भाजपा की बढ़त घट रही है, प्रारंभिक रुझान है। लेकिन कुल मिलाकर ये प्रारंभिक रुझान बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मैदान में मजबूती से जमी हुई है। भाजपा के लिए अभी खुशियां मनाने का मौका नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने का मौका है। लेकिन इसी के साथ में हम उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं, जहां पर योगेश राणा जी हमारे ब्यूरो प्रमुख मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के संदर्भ में स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में चूहे बिल्ली की लड़ाई चल रही है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। क्या है योगेश जी आपके पास लेटेस्ट अपडेट?
बिल्कुल, प्रारंभिक रुझान है उसके हिसाब से तो वो बराबर चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है और उत्तराखंड के संदर्भ में ये माना जाता है कि पोस्टल बैलेट बीजेपी को जाता है, भाजपा को जाता है, क्योंकि ये पहले से ही जाता रहा है। लेकिन ये समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस इतनी अच्छी तरह से फाइट करती हुई दिख रही है, बहुत प्रारंभिक रुझान है, लेकिन फिर भी अगर दोनों बराबर की स्थिति में आते दिख रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अच्छा करती अभी तक तुरंत जो प्रारंभिक रुझान है उनमें दिख रही है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आगे स्थिति बनती क्या है। लेकिन अगर इस पूरे इलेक्शन की बात करें, जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी बात करें, तो 11 के आसपास एग्जिट पोल में लगभग लगभग 5 में बीजेपी को दिखाया गया कि सरकार बना सकती है और 6 में दिखाया गया कांग्रेस सरकार बना सकती है। लेकिन और इसी तरीके से जो पिछले 3-4 दिन से देहरादून में एक्टिविटी भाजपा और कांग्रेस की चल रही है और जिस तरीके से जो संभावित माने जा रहे हैं निर्दलीय जो लीड कर सकते हैं जीत सकते हैं या जो संभावित मजबूत माने जा रहे हैं उनको लेकर जिस तरह की सरगर्मियां चल रही है, बीजेपी भी उनके साथ मीटिंग करना चाह रही है, बल्कि मीटिंग की बातें भी हुई है, मीटिंगें हुई है भाजपा के नेताओं से, और कांग्रेस भी ये मान के चल रही है कि हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। इस तरीके से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुकाबला है वो कांटे का है और पूरे संघर्ष में दिख रहा है। योगी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पर कांग्रेस जिस नेता के भरोसे है वहां पर हरीश रावत, वो खुद अपनी सीट चयन करने के मामले में असमंजस के शिकार रहे, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा वहां पे विरोध हो गया, फिर वो दूसरी तरफ में गए। क्या जो ये कांटे का मुकाबला हो रहा है उसके लिए हरीश रावत का असमंजस जिम्मेदार है? हरीश रावत पूरी चुनाव के दौरान कभी खुद को मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में, कभी अपने दिल की इच्छा की कोई दलित मुख्यमंत्री बने, इस प्रकार की उलझन पे रहे। क्या कांग्रेस की ताकत हरीश रावत कांग्रेस के लिए ही परेशानी का सबब रहे हैं चुनाव में? देखिए, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को दो तरीके से समझना पड़ेगा। एक, तकरीबन एक साल पहले हरीश रावत ने पूरी की पूरी एक मूवमेंट खड़ी की, हल्द्वानी में तकरीबन एक साल पहले एक बड़ा आयोजन किया, उसमें यहाँ की बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय, उन्होंने गाना भी लॉन्च किया कि हरदा जरूरी है हरदा आला। तो उनका कहना यह था हरीश रावत का कि एक चेहरा बनाया जाए और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वो खुद को चाहते थे कि पेश किया जाए। लेकिन इसमें दो समीकरण बनते हैं कि अगर वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको पहले वो सबसे बड़े नेता है उत्तराखंड में कांग्रेस के, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये समझ के चल रहा था कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर दो भागों में कांग्रेस यहाँ पर बटी हुई है कि अगर हरीश रावत को एक साल पहले या फिर थोड़ा सा चुनाव के पहले आगे कर देंगे तो जो नीचे तक का टूट है वो नीचे तक चली जाएगी कार्यकर्ताओं में। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही है, रिजल्ट क्या आता है वो तो तय करेगा, लेकिन अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि बीजेपी जो भाजपा जो लड़ती हुई रही है, भाजपा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो केंद्र की जो लाभकारी योजनाएं हैं पूरे के पूरे उत्तराखंड में, हम लोगों ने जो यात्राएं की है और जो घूमे हैं उसमें लोगों का ये कहना था कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, राशन के नाम पे दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो प्रदेश का संगठन है वो उस तरीके से लड़ता नहीं दिखा। भाजपा की खासियत ये रही है कि वो ऊपर के जो नेता है वो एकजुटता दिखाने का, तो बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास दो और राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं अपेक्षाकृत छोटे राज्य हैं, जहां गोवा के संदर्भ में मात्र 40 सीटें हैं, मणिपुर के संदर्भ में केवल 60 सीटें हैं, लेकिन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के भी प्रारंभिक रुझान अब हमारे पास में। गोवा में 40 सीटें हैं, 26 सीटों का रुझान है, भाजपा के लिए थोड़ा आराम का वक्त हो सकता है, आनंद का वक्त हो सकता है प्रारंभिक रुझान, क्योंकि 26 सीटों के रुझान में 13 सीटों पर भाजपा आगे है, लगभग 50% सीटों पर आगे है, मतलब बहुमत की संभावनाएं भाजपा के संदर्भ में प्रारंभिक रुझान जगा रहे हैं। कांग्रेस पीछे है, 9 सीटों पर ही है, आम आदमी पार्टी यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करने में उम्मीद कर रही थी लेकिन रुझान उसके पुष्टि नहीं कर रहे हैं। एक भी सीट पर अभी आम आदमी पार्टी आगे नहीं है, लेकिन अन्य सीटें वहां पे छोटे छोटे कई दल हैं वो 4 सीटों पे आगे हैं। मणिपुर के संदर्भ में बड़ा अचंभे की स्थिति है, भाजपा की सरकार है, भाजपा पिछली बार दूसरा सबसे बड़ा दल होते हुए भी कांग्रेस को शिकस्त देकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। क्या भाजपा की वो कोशिश वहां की जनता को पसंद नहीं आई है? क्योंकि मणिपुर में 60 सीटों में से मात्र 8 सीटों के रुझान अभी हमारे पास आए हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पर आगे नहीं है, वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। एग्जिट पोल भाजपा की स्पष्ट तौर पर अपने गठबंधन की सरकार बनाने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन प्रारंभिक रुझान उसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि भाजपा 8 में से 1 भी सीटों पर आगे नहीं चल रही है, वहीं कांग्रेस 8 में से 6 सीटों पर आ गए हैं और 2 सीटों पर अन्य आ गए हैं। कुल मिलाकर तस्वीर मणिपुर के संदर्भ में भाजपा के खिलाफ है। गोवा उम्मीद के विपरीत प्रदर्शन कर रहा है, भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ प्रारंभिक रुझान दिखा रहा है। उत्तराखंड के संदर्भ में अचानक समीकरण बदला हुआ है, अब हमारे पास जो रुझान है योगेश जी वो बड़ा खतरनाक किस्म का है। 70 सीटें 60 का रुझान, 36 में भाजपा, कांग्रेस 22, क्या हुआ अचानक कांग्रेस मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है? क्या वाकई जमीन पे स्थिति ऐसी थी या अभी आप बदलाव की उम्मीद है, जल्दी है कोई आकलन पे पहुंचना? अभी देखिए मैं बिल्कुल सर कहता हूं कि अभी आकलन पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो केंद्र की लाभकारी योजना है वो और जो नरेंद्र मोदी की छवि, महिलाएं और खासकर बुजुर्ग बहुत अच्छे से वोटिंग करते हुए दिखे हैं बीजेपी के लिए। और अगर यहाँ के उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले की बात की जाए तो आप ये देखिए कि आखिरी के जो 3 दिन रहे, आखिरी के 3 दिन में बीजेपी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, वो पूरा का पूरा इलेक्शन हरिद्वार और उधम सिंह नगर और जो मैदानी सीटें उन पर ले आए और तकरीबन वो 30-35 के आसपास सीट, 33 सीटें बनती है, तो उसका असर इसमें कोई दो राय नहीं बनता है। लेकिन अभी बहुत प्रारंभिक होगा ये कहना कि बीजेपी प्लस होती दिख रही है या फिर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर आप उसकी बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ता दिखा है, लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो केंद्र सरकार है वो चुनाव लड़ती हुई दिखी है। तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बहुत जल्दबाजी होगी योगी जी का ये कहना है, पर शशि रंजन जी भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनके पास कोई अपना आकलन होगा। जी शशि जी, ये एक हिमांशु जी बहुत गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी गोवा और उत्तराखंड दोनों जगह लड़ रही है, भले ही उसे सीट नहीं मिले, लेकिन कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि ग्राउंड पर उसने काम किया है और बीजेपी को फायदा आम आदमी पार्टी की वजह से इसलिए भी इन दो राज्यों में हो सकता है क्योंकि जो कांग्रेस का वोट है यानी एंटी बीजेपी वोट जो है उसमें डिवीजन है और कांग्रेस का एक बड़ा चंक आम आदमी पार्टी काटती है जिसका फायदा सीधा सीधा उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को मिलने की संभावना है। ये मैं शशि जी आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, दिक्कत ये है कि अभी हम किसी आकलन पे पहुंचने की स्थिति में नहीं है क्योंकि तस्वीर बड़ी जल्दी जल्दी बदल रही है। जब हम गोवा की बातचीत शुरू किए थे तो बता रहे थे कि भाजपा बहुत आरामदायक स्थिति में है, 26 सीटों का रुझान है, 13 पे भाजपा आ गए, 9 सीटों पर कांग्रेस आ गए, पर बमुश्किल 5-7 मिनट हुए हैं तस्वीर फिर बदल गई। गोवा की 40 में से 35 सीटों का रुझान हमारे पास है, अब भाजपा मात्र 14 सीटों पर आ गए, कांग्रेस 17 सीटों पर आगे हो गई है। कुल मिलाकर अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाना वाकई जल्दबाजी होगी। साफ दिख रहा है जो महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए मैं उपाध्याय जी आपसे बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को यह बताने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में और अमित शाह के कुशल रणनीति में जो कुछ पिछले 8 साल में हो रहा है वो देश की आजादी के 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। पर आप लगातार इन 5 राज्यों के संदर्भ में रुझानों को देखिए, कांटे की लड़ाई चल रही है, भाजपा को कहीं पर भी कंफर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश की 204 सीटों के इस समय रुझान हमारे पास है, भाजपा 114 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है, मतलब टक्कर दे रही है, मुकाबला कर रही है। गोवा के संदर्भ में देख रहे हैं कांग्रेस आगे हो गए, उत्तराखंड के संदर्भ में देखिए मामले में कश्मकश है, मणिपुर में भाजपा खारिज की जा रही है। क्या आप नहीं मानते हैं कि भाजपा को जो ये भ्रम हो गया था कि वही देश है उसके मुकाबले कहीं कोई कुछ बचा नहीं है, पर मतदाता भाजपा के इस दावे या भाजपा की इस मानसिकता के साथ नहीं है, उन्हें विकल्प चाहिए और विकल्प जहां दिख रहा है उसके साथ खड़े होने की कोशिश में मतदाता है। उपाध्याय जी देखिए हिमांशु जी, आपके पास 204 सीटों का टैली है, मेरे पास 265 सीटों की टैली आ चुकी है, उसमें 150 पे बीजेपी आगे है और 105 पर समाजवादी पार्टी संघर्ष करती दिख रही है।
लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये बैलेट पेपर ही है, क्योंकि यूपी में बैलेट पेपर की संख्या ज्यादा है। अभी लगभग एक घंटे बाद मतपेटियां खुलना शुरू होंगी, 9:30 बजे के आसपास मतपेटियों से गिनती शुरू होंगी, असली रुझान तो तभी है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने काफ़ी मुकाबला किया, संघर्ष किया, मेहनत की, और वो रुझानों में साफ दिख रहा है। और अभी ये ऐसे रुझान नहीं है कि पलट नहीं सकते बाजी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यूपी में डेरा डाले हुए थे। इन सबसे अगर अकेले किसी ने मुकाबला किया है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव थे, जिनके स्टार प्रचारक के रूप में अखिलेश यादव और सिर्फ अखिलेश यादव थे। यहाँ तक कि उनके चाचा शिवपाल यादव की भी कहीं कोई सभा नहीं हुई, ओम प्रकाश राजभर की भी कहीं कोई सभा समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाई, और स्वामी प्रसाद मौर्या जो बहुत दावे के साथ छोड़ करके गए थे भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी ही सीट फाजिल नगर में फंसे रहे। एक दो सीट जो पूर्वांचल की है वहाँ वो गए, जहाँ पे मौर्य वोट कर रहते हैं। इन सब के बावजूद जो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के बारे में योगेश राणा बता ही रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मतलब बहुत जल्दी जिस प्रकार से संघर्ष दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी नहीं कहा जा सकता, लेकिन 150 का आंकड़ा मेरे पास है और 105 SP में बदल सकता है। और जहां हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, ये आंकड़ा बदल भी सकता है। लेकिन मेरा आपसे थोड़ा दूसरे पहलू पर भी बात करने का इरादा है उपाध्याय जी, बहुजन समाज पार्टी को क्या हो गया? जिस बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक जीवन समाप्त होने का ऐलान हो रहा है इस चुनाव के साथ में? 200 सीटों के रुझान है, 225 सीटों के रुझान है, बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता पता नहीं है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट भी ऐसे वितरित हुए हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की योजना के हिसाब से वितरित हुए। अंदर खाने खबरें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में वह हैसियत नहीं रखती जो उसकी हैसियत कभी सरकार जो कभी हुआ करती थी। शशि जी भी इसमें कोई अपनी टिप्पणी देना चाहते हैं? जी शशि जी, मैं शुरू से ही वांशु जी कह रहा हूं, एक तो ये कि आप दो इलेक्शन पहले बिहार वाले में देख लीजिए किस तरीके से रिजल्ट आए थे, और मैं तब वहीं था पटना में मौजूद, और बीजेपी दफ्तर में खूब मिठाई और पटाखे छूटने शुरू हो गए थे, फिर बाद में नतीजे क्या है तो सब संभल के चल रहे हैं। ये बीएसपी के संदर्भ में मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नतीजे क्या होंगे ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी पे नजर रखने की जरूरत नहीं है, हमें नजर सिर्फ बीएसपी पे रखने की जरूरत है। और जब मैं उत्तर प्रदेश घूम रहा था तो ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि जो दलित वोट है वो कितना इंटैक्ट है। जाटव वोट तो मुझे इंटैक्ट दिखा था, लेकिन माइनस जाटव दलित समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनमें बिखराव दिख रहा था। आप हिमांशु जी याद कीजिए 2007 में यूपी में इलेक्शन हुआ और जो मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन बना और उसमें थोड़ा ब्राह्मणों का तड़का लगा कुछ एक इलाकों में, और मायावती प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में बैठ गई थी। लेकिन इस बार मायावती की जो स्थिति है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हर जगह स्थिति बहुत खराब है। आप पंजाब में देख लीजिए अकालियों के साथ गठबंधन है लेकिन स्थिति बहुत खराब होती हुई दिख रही है। और ऑफ द रिकॉर्ड वहां पर लोग कहते थे कि मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही, जैसे उपाध्याय जी भी कह रहे थे, सच्चाई क्या ये तो बीजेपी और बीएसपी के लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां पर मुस्लिम वाले इलाके हैं और एसपी ने कोई और कैंडिडेट दिया है या आरएलडी ने कोई और कैंडिडेट दिया है तो बीएसपी वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट दे देती है, ये तमाम तरह की चीजें। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को समझने के लिए मायावती के वोटरों को समझना बहुत आवश्यक होगा। अगर हिमांशु जी मायावती का वोटर यानी बीएसपी का वोटर अगर वोट परसेंटेज अगर 15% के आसपास आके अटकता है तो योगी 250 के ऊपर जाएंगे, ये मैं अभी लिख करके दे सकता हूं। और अगर मायावती का वोट बैंक 20-22% के पास रह गया तो अखिलेश फोटो फिनिश के पास जाएंगे। ये सारा खेल ये लाभार्थी एक आकलन है शशि रंजन जी के पास में, लेकिन उस आकलन की समीक्षा के लिए हमें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी इतनी जल्दी उसके आकलन तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले समय है कि हम एक बार पांचों राज्यों की वस्तु स्थिति को जान लें।
उत्तर प्रदेश 403 सीटें, 213 सीटों के रुझान, 116 सीटों पर भाजपा आ गए, 87 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गए, बहुजन समाज पार्टी मात्र 6 सीटों पर आ गए, कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद भी केवल 2 सीटों पर आ गए हैं, अन्य के लिए 2 सीटों की बढ़त का आंकड़ा है, पंजाब मुकाबला है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, लेकिन जानने में दिलचस्पी रहेगी कि उसे स्पष्ट बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कांग्रेस खराब प्रदर्शन कर रही है, लेकिन बहुत खराब नहीं कर रही है। 117 सीटें, 92 सीटों के रुझान, कांग्रेस 30 सीटों पर आ गए है, वहीं आम आदमी पार्टी 43 सीटों पर आ गए, अकाली 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिवाय अपनी इज्जत की फजीहत कराने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर 80 साल की उम्र में कांग्रेस से बगावत किए, जिसने उन्हें इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया, इज्जत दी, लेकिन कुल मिलाकर कोई करिश्मा कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, ये रुझान बता रहा है। दोनों का गठबंधन मात्र 5 सीटों पर आ गया, अन्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उत्तराखंड में मामला दिलचस्प है, 64 सीटों का रुझान है 70 सीटों में से, 36 में भाजपा आ गए, कांग्रेस 26 पर, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और अन्य 1 पर, वो 1 बहुजन समाज पार्टी है जो हरिद्वार की 1 सीट पर आगे चल रही है। गोवा में मामला दिलचस्प है, पहले भाजपा के लिए अच्छे आसार थे, अब कांग्रेस के लिए आसार है, चलता रहेगा वहां ऊपर नीचे। 37 सीटों का रुझान है 40 सीटों में से, 14 पे भाजपा आगे है, 17 सीटों पर कांग्रेस आ गए है, आम आदमी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखी। अन्य 6 सीटों पर है जिसमें वहां के क्षेत्रीय दल है। मणिपुर 16 सीटें, भाजपा के लिए झटका है, 60 में से 16 सीटों का रुझान, 3 सीटों पर मात्र भाजपा आ गए है, कांग्रेस 7 पर है, अन्य 6 पर है। दोनों राज्य गोवा और मणिपुर आखिरी तक हमें थकाते रहेंगे स्पष्ट नतीजे देने के संदर्भ में। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ नए मेहमानों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे।